Hello everyone, this is Bonus and today's video is all about 7 classical French pastries. So, एक वीडियो काफ़ी नहीं होता है कि हर एक चीज़ें मैं समझा सकूँ. ये जो वीडियो है काफ़ी पार्ट वाइज में आने वाला है क्योंकि थोड़ा लेंदी है, क्योंकि हर एक चीज़ों को डिटेल में समझाने में टाइम लगता है, राइट? सो जो भी छूट रहा होगा मैं दूसरे वीडियो में एड ऑन कर दूंगा उसे. सो सीरीज़ को कम्प्लीट देखिएगा जैसे कि आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाए परफेक्टली, राइट? इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और यदि आप पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं या फिर आप एक होम बेकर भी हैं तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करेगा समझने के लिए, क्योंकि थियोरेटिकल आप समझेंगे तभी आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हैं, राइट? आई मीन एटलीस्ट अंडरस्टैंड द साइंस और क्यों करते हैं वो चीज़ें. आपको यदि थियोरेटिकल में आइडिया हो जाता है तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमें किस वे में बनाया जाए, आई मीन जो प्रोडक्ट होगा उसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो किस वे में आएगा, क्योंकि किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मेथड्स और टेक्निक्स पे, राइट? सो Let's start the session. Let's start 7 classical French pastries. यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा और मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितना हो सके आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, जैसे कि आपको इजी हो समझने में. ये जो 7 क्लासिकल फ्रेंच पेस्ट्रीज है ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं, ठीक है? एंड दिस इज एक्चुअली आर इंटरनेशनल बेस्ड. सो आपको हर एक चीज में इजी वे में बताऊंगा जैसे कि आपको मगअप ना करना पड़े और इजी वे में आप समझ भी जाए और आपको याद भी रहे हमेशा के लिए. लेट्स स्टार्ट. So first one here is a short crust. Second we have a sweet paste. Then we have a choux. The third one. The fourth one we have a filot. Fifth is puff. Sixth is croissant. And the seventh is Danish. See, इसका जो pronunciation होता है वो होता है choux. ठीक है? C-H-O-U-X. Choux pastry. So ये है 7 classical French pastries. हर एक के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इसमें मैं 2-3 वीडियो ऐड करूंगा जैसे कि मैं आपको हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बता सकूं. सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट क्रस्ट और स्वीट पेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है. शॉर्ट क्रस्ट, स्वीट पेस्ट, इसके अंडर में आते हैं ये चार, ठीक है? जो है पाते ब्रिजे, पाते अफ्रांसर, पाते सूक्रे, पाते सांपले, ठीक है? शॉर्ट क्रस्ट और स्वीट पेस्ट के अंडर में आते हैं ये चार. सो इसे आप याद कर लीजिएगा, पाते ब्रिजे, पाते अफ्रांसर, पाते सूक्रे, पाते साबले. ये जो है ये एक टार्ट बेस बोलते हैं हम, ठीक है? जिससे कि हियर वी गो, कीश, टार्ट, पाई. आपको पता होगा कीश जो होता है वो कस्टर्ड फिलिंग होता है और कीश जो होता है वो हमेशा सेवरी होता है. टार्ट जो होता है वो स्वीट और सेवरी भी हो सकता है, और जो पाई होता है वो भी स्वीट और सेवरी हो सकता है. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्रस्ट और स्वीट पेस्ट से, ठीक है? इसके अंडर में आता है पाते ब्रिजे, पाते अफ्रांसर, पाते सूक्रे, पाते साबले. देखो इसमें है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनमें से बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि पाते ब्रिजे, पाते अफ्रांसर, पाते सूक्रे, ठीक है? पाते ब्रिजे, पाते अफ्रांसर, पाते सूक्रे से ये बेस बनते हैं. बेस पता है आपको, टार्ट बेस, पाई बेस, कीश बेस जो होता है वो बनते हैं इनसे, ठीक है? साबले मैं आपको बताऊंगा, साबले जो होता है वो हम नॉर्मली पेस्ट्रीज का बेस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है? आपने अगर भी कभी कहीं अच्छी जगह पे यदि पेस्ट्रीज खाया होगा तो वहां पे देखिएगा एक छोटा सा बिस्किट रहता है नीचे पे, बहुत ही पतला चॉकलेट बिस्किट होगा या वेनिला बिस्किट्स होगा, ठीक है? जो पतला सा होता है ना, वो थिन क्रस्ट टाइप का जो होता है उसको हम साबले बोलते हैं, ठीक है? उसको हम उसका बेस में यूज करते हैं. साबले ऐसे बहुत सारे चीजों में आप यूज कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्विक उस चीज को समझ सके इस पे, तो पेस्ट्रीज के नीचे जो रखते हैं बिस्किट एक रहता है उसको हम साबले बोलते हैं, ठीक है? साबले को हम वहां पे ज्यादा यूज करते हैं, बाकी आप कहीं पे भी साबले को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं चार जिसके इसके अंडर में आते हैं. किसके अंडर में? शॉर्ट क्रस्ट और स्वीट पेस्ट के अंडर में आते हैं ये चार. इनमें से बनता है ये हर एक को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से जैसे कि आप समझ सको हर एक चीज डिटेल में. सो इनसे बनता है ये कीश, मतलब जो बेस होता है, ठीक है? जो आपने टार्ट खाया होगा, एप्पल टार्ट खाया होगा, ठीक है? बेकवेल टार्ट खाया होगा. जो टार्ट होता है, जो शेल, वो टार्ट में फिलिंग करने से पहले जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं शेल. तो वो जो टार्ट शेल है उससे हम उससे काफी सारी चीजें बनता है, ठीक है? लेकिन हर एक का अलग अलग वे में बनता है, जैसे कि कीश के लिए अलग बनता है, टार्ट के लिए अलग बनता है, पाई के लिए अलग बनता है. तो जो कीश होता है वो हमेशा सेवरी होता है, तो इसमें शुगर जाएगा क्या? मतलब आप खुद समझिए, जैसे कि कीश का जैसे हम शेल बना रहे हैं और वो सेवरी होगा तो शुगर तो नहीं जाएगा उसमें, राइट? जब इसको समझाऊंगा मैं आपको इजिली आपको समझ में आ जाएगा. तो कीश, टार्ट, पाई तीन होते हैं. आप इसको याद रख लेना कि तीन प्रकार के शेल्स बनते हैं, जो कि एक होता है कीश, एक होता है टार्ट, एक होता है पाई.
तीन वेराइटीज होते हैं, ठीक है। कीच जो होता है वो हमेशा कस्टर्ड फीलिंग होता है। कस्टर्ड में क्या आता है, ये वो वाला कस्टर्ड मत बोलिएगा जो हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं घर में, स्वीट वाला वो नहीं होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कस्टर्ड इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो एग क्रीम और मिल्क से बनता है, ठीक है। बहुत सारे रेसिपीज होते हैं, लेकिन सिंपल प्लेन कस्टर्ड जब बोलते हैं हम तो उसका सिर्फ रेसिपी जो होता है मिल्क क्रीम और एग्स का होता है, ठीक है। कोई कोई है जो एग योक यूज करते हैं, कोई कोई होता है होल एग यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और ये जो स्वीट कस्टर्ड हम जो घर में खाते हैं, हमारे हमारे यहाँ पे इंडिया में जो खाते हैं स्वीट कस्टर्ड एज अ डेजर्ट जो हम सर्व करते हैं फ्रूट कस्टर्ड, वो कस्टर्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसका जो बेस अलग होता है, क्लियर, वो होता है। और ये जो कीश होता है वो ऑलवेज सेवरी होता है, ध्यान रखिएगा, कीश मतलब हमेशा सेवरी ही होगा। फिर आएगा टार्ट। टार्ट होता है आपका स्वीट भी हो सकता है, सेवरी भी हो सकता है, क्लियर। पाई, पाई भी स्वीट हो सकता है, सेवरी भी हो सकता है। पाई क्या होता है, जो शेल बनेगा ना, पाई हमेशा कवर होता है, इस वे में कवर होता है, ठीक है। टार्ट होता है ओपन, ये होता है ओपन, ठीक है, और ये होता है कवर, क्लियर है। इतना समझ जाओगे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन सा, सेवन क्लासिकल फ्रेंच पेस्ट्रीज का शॉर्ट क्रस्ट और स्वीट पेस्ट में ये कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों को पता होगा टार्ट होता है, पाई होता है, लेकिन कीश बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इन्हीं के अंडर में आता है, कीश टार्ट एंड पाई, सेवरी स्वीट एंड सेवरी, स्वीट एंड सेवरी, ऑलवेज कवर, ओपन ओपन, ये काफी सिंपल है, बस आपको समझना है। तो हियर यू कैन सी पाते ब्रिजे, सो मैं आपको यहाँ पे पाते ब्रिजे के बारे में बताने वाला हूँ। पाते ब्रिजे मतलब हम इसको यूज करते हैं सेवरी के लिए। पाते ब्रिजे भी सिर्फ और सिर्फ सेवरी शेल्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। क्यों, सेवरी है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे शुगर नहीं होना चाहिए, राइट, हियर वी गो, नो शुगर, ठीक है। यहाँ पे हम शुगर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सेवरी क्रस्ट फॉर पाइस, यहाँ पे हम पाई के लिए यूज करेंगे इसका शेल, इसका जो रेसिपी होगा वो हम पाइस के लिए यूज करने वाले हैं, और इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें सबसे ज्यादा होगा बटर, इसमें होगा मोर इन बटर, मीन्स डेलिकेट, राइट, बटर है तो ऑब्वियसली डेलिकेट बनेगा। फाइन क्रम्ब एंड फ्लेकी इन टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर होगा फाइन क्रम्ब होगा और फ्लेकी इन टेक्सचर, क्लियर। सो ये पाते ब्रिजे जो है ये होता है सेवरी के लिए होता है, इसमें शुगर नहीं होता है, इसमें बटर ज्यादा होता है इसलिए डेलिकेट होता है, और ये नो शुगर के चक्कर में ये हम बोलते हैं, और इसमें शुगर नहीं है इसलिए हम इसको सेवरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे, पाइस में। और इसका जो क्रम्स है ये काफी फाइन होगा और इसका जो टेक्सचर है काफी फ्लेकी होगा, क्लियर। सो ये हो गया आपका ब्रिजे। नेक्स्ट है यहाँ पे पाते ऑफ फ्रांसा, हैज एग्स, इसमें जाता है एग्स, ठीक है, एग्स एंड बटर, देन इसमें लेस शुगर, ज्यादा शुगर यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, लेस शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। और इसको, इसका जो ये जो होता है ना, इसका एक मेथड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंडिंग मेथड, इसको आप सैंडिंग मेथड भी बोल सकते हैं या फिर शॉर्टनिंग मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेथड है उसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग मेथड, ठीक है, जिसको हम कोल्ड बटर यूज करके हम उसको फ्लावर के साथ उसको हम मिक्स करते हैं। पाते हैं फ्रांसा में क्या होता है, इसमें एग्स है, बटर भी है, ठीक है, नॉट मच इन क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, कोल्ड वाटर से हम इसको बाइंड करते हैं, मीन्स जो मिक्सचर होता है उससे से बाइंड करने के लिए हम कोल्ड वाटर यूज करते हैं। कोल्ड वाटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बटर है वो मेल्ट ना हो। कोल्ड बटर हम जो यूज कर रहे हैं सैंडिंग मेथड के लिए फ्लावर के साथ, कोल्ड वाटर यूज करने से क्या होगा कि बटर जो है वो मेल्ट नहीं होगा, उसका टेम्परेचर बना रहेगा, ठीक है, और जितना कोल्ड रहेगा उतना अच्छा होगा, मीन्स जितना चिल्ड होगा उतना अच्छा होगा। ये क्लियर हो गया, अब ये था फ्रांसा, ये भी क्लियर हो गया, राइट। यहाँ पे कोल्ड वाटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कोल्ड बटर यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो रेसिपी होता है इसे हम बोलते हैं शॉर्टनिंग मेथड। शॉर्टनिंग मेथड आपको पता होगा, तो हम कोल्ड बटर को रब करते हैं फ्लावर के साथ जैसे कि वो अच्छे से कोट हो जाए उसमें, क्लियर, क्योंकि हमको ग्लूटेन डेवलप नहीं करना है, ग्लूटेन को नहीं डेवलप करना है, इसलिए हम शॉर्टनिंग मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्लावर का पार्टिकल्स होता है उसको बटर ऊपर से कोट कर देता है। तो क्या होता है कि जो बटर कोट कर रहा है ना यहाँ पे, सो उससे क्या होता है कि ग्लूटेन टच, मतलब फ्लावर को फ्लावर टच नहीं कर पाता, ठीक है, थेके? और उससे हम जब हम उसको बाइंड अप करते हैं, सो उस बाइंड अप में क्या होता है कि जो ग्लूटेन होता है वहां पे डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बीच में आता है बटर,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम सैंडिंग मेथड या फिर शॉर्टनिंग मेथड बोल सकते हैं। और कोल्ड वाटर इसलिए यूज करते हैं जैसे कि जो बटर लेयर है ऊपर में वो पिघले नहीं, इसलिए कोल्ड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिल्ड बटर है और कोल्ड वाटर यूज करेंगे तो क्या होता है कि उससे स्ट्रक्चर बना रहेगा, मतलब जो बटर है वो पिघलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, सिंपल एज दैट, दिस इज द ओनली रीजन। क्लियर हो गया? सो ये पाते ब्रिजे था, ये पाते अफ्रोंसा। दिस इज द नेक्स्ट वी हैव हियर इज पाते सूक्रे। पाते सूक्रे मतलब क्या होता है? सूक्रे मीन्स शुगर, ठीक है, पाते सूक्रे मीन्स शुगर, मीन्स ये जिसका जो शेल बनेगा ये काफी स्वीट बनेगा, ठीक है। इसके अलग अलग नाम भी है पाते सूक्रे का, जैसे कि स्वीट क्रस्ट पेस्ट्री, स्वीट डो और स्वीट पेस्ट, ठीक है। सो पाते सूक्रे का ये तीन और नाम है। इसमें यहां पे काफी सारे शुगर है क्योंकि ऑलरेडी पाते सूक्रे बोला गया है, मीठा है, तो ऑब्वियसली लॉट मोर शुगर। इफेक्ट ऑफ द ग्लूटेन स्ट्रैंड्स लीड्स टू ब्रेकअप इजिली इन द माउथ। शुगर ज्यादा है इसलिए जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इसमें कोल्ड वाटर की जरूरत नहीं है, हम यहां पे यूज नहीं करते हैं। यहां पे स्वीट नॉट फ्लेकी, स्वीट होगा बट फ्लेकी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शुगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये तुरंत टूट जाता है। तो फ्लेकी क्या होता है? फ्लेकी मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा बटर हो, जैसे पफ पेस्ट्री हो गया, राइट, इट हैज अ लॉट ऑफ बटर इन इट, सो उसका क्या होता है कि वो काफी फ्लेकी होता है और काफी अच्छे से टूट जाता है। बट ये क्या होगा? नॉन फ्लेकी, क्योंकि यहाँ पे शुगर ज्यादा है और यहाँ पे ग्लूटेन भी नहीं है और यहाँ पे ज्यादा बटर भी नहीं है। क्लियर है? इसको पढ़ने के बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा उसका फ्लेकी है कि नहीं है और किस वे में, मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ ये फ्लेकी होगा ये फ्लेकी नहीं होगा, वो आपको टेक्सचर ऑटोमेटिकली पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकली बनाएंगे इसे। इंग्रेडिएंट्स क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्लावर, शुगर, चिल्ड बटर एंड एग्स। यहाँ पे हम वाटर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि एग्स क्वांटिटी इतना है इसमें कि आपको जरूरत नहीं है, मतलब ये काफी है बाइंडअप के लिए, ठीक है। एग्स इज इनफ टू बाइंड द डो, जो डो हम बनाएंगे वो एग्स का मॉइस्चर काफी होगा। सो ये है पाते सूक्रे। नेक्स्ट वी हैव पाते साबले। पाते साबले सेम एज ए पाते सूक्रे बट क्रीमिंग मेथड में होता है एंड नो वाटर। क्रीमिंग मेथड आपको पता है, बटर शुगर को हम अच्छे से क्रीमिंग करेंगे, जो शुगर होगा वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा बटर के साथ। ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, लेकिन जहां पे बोला है चिल्ड बटर वहां पे आपको चिल्ड बटर लेना है अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। यदि आप रेसिपी को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे या फिर उसका इंस्ट्रक्शन से आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। रेसिपी व्हेन कम्स टू बेकिंग इज ऑल अबाउट साइंस और उसका टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। से यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा कि सबका टेक्निक और मेथड काफी अलग होता है, ठीक है। ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इसी मेथड से करेंगे तो बेस्ट बनेगा। सबका एक अलग तरीका होता है जो उनको बहुत पसंद है कि हाँ मुझे शॉर्टनिंग मेथड पसंद है, आई मीन शॉर्टनिंग को हम रबिंग मेथड भी बोलते हैं, सैंडिंग मेथड भी बोलते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और किसी को वो चीज क्रीमिंग मेथड में पसंद है, तो हर एक का एक अलग टेक्सचर आता है और एक उसका जो फ्लेकीनेस हुआ या फिर उसका जो हम इजी से टूट जाना, तो हर एक चीज का एक मेथड होता है और ये काफी वर्सेटाइल एक्चुअली। आई मीन बेकिंग को समझना थोड़ा अलग, इसका एक तरीका अलग है। ऐसा है कि आपको एक मेथड पसंद आएगा तो दूसरे को किसी को दूसरा कुछ मेथड पसंद आएगा, तो मेथड बहुत सारे हैं। जैसे कि नॉर्मली बोलूँ तो एक टार्ट बनाने में, जैसे सूक्र हो गया, पाते सूक्र जो है, पाते मीन्स डो होता है और पाते मीन्स पेस्ट भी होता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, पाते PATE जो मैं लिखा हुआ, पाते सूक्रे पाते साबले जो भी लिखा हुआ मैंने, पाते मतलब पेस्ट भी होता है, पाते मीन्स डो भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड ऑन के लिए था। सो मैं ये बता रहा था कि हर एक का टेक्निक अलग होता है, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल पाते सूक्रे जो है वो मैं सैंडिंग मेथड में भी कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको मैं क्रीमिंग मेथड में भी कर सकता हूँ। कैसे? शुगर पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास शुगर है, आइसिंग शुगर मेरे पास है, तो इजी होगा मुझे बनाने में। कैस्टर शुगर होगा तो मुझे क्रीमिंग ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाए अच्छे से बटर में, राइट। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेकिंग का जो टेक्निक है वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे और जितना बनाओगे, आपको पता नहीं कौन सा मेथड होगा जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे ये मेथड पसंद है। इसीलिए बेकिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको कौन सा पसंद आ रहा है
कौन सा शेफ्स को आप फॉलो करते हो, वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप फोकस करते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये मेथड पसंद है, मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप एक पे कभी भी अटकना मत, रिसर्च करने का टाइम मिले तो रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। एक रेसिपी को आप अलग अलग मेथड से यूज़ करना, आप खुद देखिएगा कि कितने सारे चेंजेस आते हैं उसके उस मेथड से, और उसमें से कौन सा बेटर लगता है आपको टेस्ट, उस पे फोकस कीजिएगा। इसीलिए सेम बनाना टी केक फोमिंग मेथड में भी बनता है, क्रीमिंग मेथड से भी बनता है, बहुत सारे टेक्निक है। इसीलिए हमें किसी का ब्रेड पसंद आता है तो किसी का नहीं आता है, क्योंकि उसका मेथड्स अलग है, उनका टेक्निक अलग है। तो हर एक टेक्निक से आप एक रेसिपी को बनाइएगा, उसके बाद आप फाइनलाइज कीजिएगा कि कौन सा मेथड आप लाइफ टाइम यूज करने वाले हो। आपको उसी से ही आइडिया आएगा, आई मीन पेस्ट्री शेफ को एक एक्सपीरियंस इसी से आता है, हर एक मेथड से, हर एक टेक्निक से कौन सा बेटर लगता है और किससे अच्छा रिजल्ट आता है वो मैटर करता है। क्लियर राइट? सो यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि एम्प्टी शेल्स, शेल्स बनाने के बाद है ना, शेल्स जब आप बना देते हैं उसको आप कैसे रखोगे, क्योंकि वो काफी सॉगी भी हो जाता है, यदि आपको स्टोर करना होता है तो किस वे में करेंगे। सो हाउ टू सेव इट, हाउ? सो ब्रश विथ कोको बटर, कोको बटर से आप उसको, आपका जो शेल है उसको आप कोको बटर से अच्छे से ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑक्सीडाइज से बचाता है, तो क्या होता है उसका जो लाइफ है शेल्स का वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कोको बटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज से बचा रहा है। क्लियर? एंड इन केस यदि सॉगी हो भी जाता है तो क्या करेंगे, आप उसको सर्व करने से पहले फ्लैश पैक कर सकते हैं, ठीक है, टर्न सॉगी बिफोर सर्विंग, गो फॉर द फ्लैश पैक। कुछ पॉपुलर टार्ट्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे, एक है एप्पल पाई, देन वी हैव अ बेकवेल, बेकवेल इज माय फेवरेट, विच इज अ जैम एंड पाउंड केक का मिक्स हम इसमें ऐड करते हैं शेल्स में, डैम गुड, लेमन मेरेंग पाई, देन वी हैव अ बॉनफी। सो ये है कुछ पॉपुलर टार्ट्स, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट, जो है शू फिलो पफ क्रोसो डेनिश। क्लियर? आई सी यू इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।